हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे। हम लोग भी ठीक ही है, लेकिन थोड़ा सा हम लोग टेंशन में हैं क्योंकि आज काफ़ी सारा मुझे कमेंट आया, मैसेज आया, फिर मैं लाइव में भी आई थी, उसमें भी काफ़ी सारे लोग मतलब मुझसे पूछ रहे थे पापा का बायोप्सी का रिजल्ट क्या आया क्या आया, क्योंकि पापा की जो गांठें बनी हुई है उसकी बायोप्सी हुई थी, तो उसका रिजल्ट क्या आया करके, क्योंकि मैंने सबको बोला था कि मंगलवार को रिपोर्ट आएगा करके। तो पापा का जो बायोप्सी का जो रिज़ल्ट है वो अभी तक नहीं मिला। मतलब मम्मी लोग गए थे बात के हर चीज़ के लाने के लिए रिज़ल्ट को, तो उन्होंने बोला कि और कम से कम 5 दिन लगेगा। तो मम्मी बोली 5 दिन तक हम मतलब पेशेंट को लेके, मम्मी लोग घर पे हैं तो पेशेंट को लेके हम क्या करें 5 दिन तक, क्योंकि पापा की तबीयत थोड़ी सी ठीक हुई थी, उठ के खुद से बैठ रहे थे, बात कर रहे थे, मतलब आपको बताई थी खाना पीना हर चीज़ कर रहे थे। लेकिन आज सुबह जब मैं बात की मम्मी से, दोपहर को भी बात की मम्मी से, तो मतलब पापा की तबीयत, बहन बोली कि फिर से थोड़ा सा डाउन हो गया है और थोड़ा चिड़चिड़ चिड़चिड़ भी कर रहा है। स्वाभाविक से बात है, अगर कि होटल में रुके हुए हैं, चार दीवारी के अंदर एक जगह रुके हुए हैं होटल में, बस वहीं पर उठना बैठना, तो इंसान ना एक जगह का हवा पानी से भी थोड़ा सा चिड़चिड़ करने लगता है, सिर्फ बैठे रहेगा तो। जैसे मैं पापा से कल बात की तो मेरे से एकदम चिड़चिड़ के बात कर रहे थे, मम्मी बोली थे पापा मेरे पे भी गुस्सा कर रहे कि मैं नहीं कराऊंगा ट्रीटमेंट, मुझे घर जाना है, मुझे यहाँ पर रुकना नहीं है करके, एकदम बच्चों टाइप का कर रहे। तो मैं बोली पापा को थोड़ा समझाओ अच्छे से। फिर मैं पापा से बात की वीडियो कॉल में, पापा भी मेरे से थोड़ा सा गुस्सा होकर बात कर रहे, तुम लोग जबरदस्ती मेरे को यहाँ पे रखे हो, मुझे कुछ नहीं कराना, वापसी वापसी कुछ नहीं कराना, मुझे घर जाना है घर जाना है। लेकिन जब इतना दूर आए हैं और होटल में रुक रहे हैं, रहने का खाने का अपना अलग खर्चा जा रहा है, हालांकि एट दैट टाइम अगर रिपोर्ट आ जाता ना तो जो भी ट्रीटमेंट होता पापा के लिए हम वो सारा चीज़ करके फिर हम आगे जाते। तो पापा का किडनी का जो बायोप्सी है वो भी होना है, मतलब दो दो बायोप्सी बॉडी में होना मतलब बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है ये सारा चीज़ें। फिर मैं मम्मी को बोली, अब डॉक्टर को इंसिस्ट नहीं किए कि हम लोग बहुत दूर से आए, कम से कम रिपोर्ट देते? मम्मी बोली मैं नहीं, मेरे तरह से काफ़ी लोग हैं जो बायोप्सी का रिजल्ट के लिए गए थे, तो बोलते हैं कि वहाँ पर बायोप्सी का रिजल्ट बहुत लेट मिल रहा है, बीच में बोलते हैं कि वैसे तो एक हफ्ता लगेगा लेकिन बीच में अगर छुट्टी आ गई तो और टाइम लगेगा। लेकिन हमारा मतलब बायोप्सी हुआ पापा का 5 दिन हो गया, तो और 5 दिन के अंदर शायद मिल जाएगा। तो मैं बोली पापा को थोड़ा सा समझा के बुझा के रखो, बहन को भी बोली थोड़ा सा समझा के बुझा के रख, पापा भी बहुत चिड़चिड़ कर रहे हैं। तो होप सो बायोप्सी का रिजल्ट अच्छा है, मतलब भगवान से ही प्रार्थना कर रही हूँ। लेकिन पापा फिर से थोड़े से वीक पड़ गए, पापा का पैर में गठान गठान दर्द कर रहा है, पीठ की हड्डी हड्डी में, मतलब पापा का जो बॉडी का जॉइंट जॉइंट है, पीठ का जो रीढ़ की हड्डी होती है ना, ऐसा 1 2 3 4 करके, तो वो पूरा गठान गठान में पापा का दर्द है। तो बहन मालिश वालिश कर देती है, मैं बोली हूँ सरसों का तेल से मालिश मत ही करिएगा, क्योंकि सरसों का तेल से मालिश करने के बाद ना पापा के बॉडी में थोड़ा रिएक्शन कर रहा है। हालांकि ऐसा कभी हुआ नहीं कि पापा को सरसों का तेल रिएक्शन किया या फिर सरसों का तेल, क्योंकि पापा हमेशा सरसों का तेल ही लगाते हैं, बॉडी लोशन फाउंडेशन पापा नहीं लगाते, लेकिन अभी रिएक्शन किया पापा के बॉडी में। तो मैंने कहा ऑलिव ऑयल आता है छोटा सा डब्बा खरीद लेना, उसको पापा को थोड़ा सा मालिश कर देना। फिर ये हाथ की कलाई, ये कब्जा जॉइंट, फिर घुटने का, फिर पैर का, ये जॉइंट जॉइंट पापा का बहुत पकड़ा हुआ है, बहुत ज़्यादा पेन कर रहा है। तो हम लोग बस ना मतलब सोच सकते कि हाँ पापा को ये हुआ होगा ये हुआ होगा, लेकिन जब तक बायोप्सी का रिजल्ट नहीं आता तब तक हम कुछ भी नहीं कर सकते। मम्मी भी परेशान हो रही है, मतलब टेंशन होता है कि नहीं टेंशन बताओ, मतलब यही एक रिज़ल्ट है जिसके भरोसे हम बैठे हुए हैं। और मेरी काफ़ी सारे सब्सक्राइबर सब ने मुझसे कॉन्टेक्ट करने की कोशिश की, शताब्दी अब बताइए रिजल्ट क्या, रिजल्ट क्या, और सब वेट ही कर रहे थे। अभी भी शाम को मेरे पास मैसेज आया कि पापा का रिज़ल्ट क्या आया करके, पापा का बायोप्सी का रिज़ल्ट अभी भी आने में 4 से 5 दिन, पता नहीं एग्जैक्टली कब आएगा। क्या मम्मी ने कहा कि डेट बता दीजिए, वो डेट भी नहीं बता रही। मुझे भी अब हो रहा है क्योंकि कुछ दिन रिकवर किए थे, पापा का हेल्थ अभी थोड़ा सा फिर से डाउन हो गया है, क्या करूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा। मम्मी को मैं बोली थी कि मम्मी मैं आ जाती हूँ, बहन और आप वहाँ पे हो, आप लोग भी थक गए होंगे, मेरे शो को लेके आ जाते हैं। मम्मी ने मुझे मना कर दिया कि नहीं नहीं तुमको आने की ज़रूरत नहीं है, तुम वहीं पे रहो, अपना कपड़े वगैरह का जो बिजनेस है उसको तुम कंटिन्यू करो, बच्चा को वहाँ पे लेके आओगे फिर से परेशानी हो जाएगी, वहाँ का वेदर सही नहीं, कभी बारिश कभी ठंड कभी गर्मी, रिशु की तबीयत फिर से ख़राब हो जाएगी, बीमार पड़ गई थी अभी, वहाँ पे रहो अच्छे से रहोगे अच्छे से खाना पीना खाओ। लेकिन वही कि मन नहीं लगता, पापा के लिए सोचती रहती हूँ, मैं दिन भर तो बहन को कॉल करती रहती हूँ, वो भी करती, मम्मी भी करती है, वीडियो कॉल भी करती हूँ,
क्या करूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा, मन कर रहा दौड़ के चले जाओ, फिर सोचती हूँ कि नहीं यहाँ पे हूँ तो कम से कम 2 पैसे इकट्ठा कर पा रही हूँ मैं। अभी तो फिलहाल मैगी बना के दी हूँ ऋषि को, बोली मम्मा डोनट खाऊंगी, अब डोनट मैं उसे नहीं दूंगी डोनट वगैरह, तो मैं फिर मैं बोली मैगी खाएगी, बोलती हाँ, तो उसको मैगी बना के मैं फिलहाल अभी दी हूँ मैगी। कम से कम झाल कहाँ से बेटा, वो धनिया पत्ती दी हूँ बस, फटाफट पापा का बादशाह का रिजल्ट आ जाए। पता नहीं पानी पियोगे, पता नहीं अभी भी कितना दिन हमें वेट करना पड़ेगा बादशाह का रिजल्ट के लिए। और सबसे बड़ी बात पता है क्या है, पापा को बताया नहीं है कि और 5 दिन लगेगा। मम्मी लोग गए थे हॉस्पिटल तो घर आए तो पापा बोले क्या आया रिजल्ट में, तो मम्मी बोली कल देंगे करके, तो पापा बोले और कल मुझे वेट करना पड़ेगा ऐसे करके। पापा बोले मेरे को अच्छा नहीं लग रहा, मेरे को घर जाना है, घर जाना है, कुछ नहीं कराऊंगा मैं, किडनी का भी बायोप्सी नहीं कराऊंगा, कुछ नहीं कराऊंगा। फटाफट सब चीजें मैं कर लूं। हाँ बेटा क्या खाओगे, मेरे साथ भात खाएगी, भात आपको खाएंगे। मैं उनको बोली हूँ कि महामृत्युंजय का जाप करके कम से कम 5 बार जाप करके हाथ में पानी लेके पापा पे छिड़का दे और मतलब घर में चला दे, बोलते वो चलाने से बहुत अच्छा रहता है, तो वहाँ पे मैं उसको चलाने के लिए बोलूँ, करने के लिए बोलूँ, तो वो रोज़ नहा के 5 बार वही महामृत्युंजय जाप पढ़ती है, फिर पापा को पानी छिड़का देती है। क्योंकि ये नहीं खाओगे, चलो मम्मी खा लेगी, इससे कम से कम पापा स्वस्थ हो जाए फटाफट। पानी भी नहीं पियोगे, हमारे मोहल्ले में गरबा हो रहा है, तो ऋषु को भी थोड़ी देर बाद फिर बोलेगी तैयार होने के लिए, हुई थी वो तैयार, उसको तैयार करके भेजी थी, गरबा वगैरह खेलती। बच्चे को आप कितना रोकोगे बताओ, मम्मा मुझे तैयार कर दो मुझे गरबा खेलना है, तैयार कर दो गरबा खेलना है, तो उसको तैयार करके दी थी। यहाँ पे दीदी लोग सब लोग गरबा वगैरह खेले थे तो वो भी खेली थी गरबा, अच्छा डांडिया, सॉरी डांडिया, डंडा पकड़ के अच्छा अच्छा खेली थी वो। चलिए मैं भी अपने ब्लॉग एंड यहीं पे कर लूँ, छोटा सा एक ब्लॉग था, काफ़ी सारे लोग पापा का रिपोर्ट के बारे में पूछ रहे थे क्या आया क्या, मैं सोची कम से कम ब्लॉग बना के आप सबको सूचित कर दूँ कि अभी भी रिपोर्ट में काफ़ी टाइम लगेगा, और रिपोर्ट जो भी आएगा मैं आप सभी से उसका स्क्रीनशॉट या उसका फोटोज या जो भी चीज़ें मैं सारा आप लोग से यूट्यूब में शेयर करूँगी, जो जैसा भी रिपोर्ट आएगा सब शेयर करूँगी।